लेखायो पढ़ायो पहाड़े बीवायो। कितनी हाँ। प्यास लगी थी, अच्छा लग रहा होगा ना? अच्छा लग रहा है। और अच्छा हो जा तेरा दूसरा भी लड़का हो जाए। हे भगवान। हम लोग कहाँ आए, मतलब जहाँ से हम लोग को सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे ना, जिस लोकेशन से। हाँ। ताई जी ने क्या क्या बोला पता है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो दोस्तों, आगे मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ, और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों, हमारे गांव में ना मस्त सी धूप आ गई है, आप लोग पीछे देख सकते हो। और आजकल ना जो धूप आ रही ना, वो इतनी चटक की है ना, क्या बताएं, तो वो पूरे ना स्किन को भी जला दे रही है। तो बहुत तेज़ धूप यहाँ आ रही है, क्योंकि ना आजकल पहाड़ों में अच्छा होता है धूप आना, लोगों का घास वगैरह और पराल वगैरह ना सब कुछ सूख जाता है। जिस दिन हमारे पहाड़ों में ना आजकल बारिश आ रही है ना, तो सभी के मुंह ना मुड़ जा रहे हैं कि हमारा घास खराब हो जाएगा, हमारा पराल खराब हो जाएगा। तो आज तो मस्त मौसम है, और आज ना मेरी छुट्टी भी है, क्योंकि ना आज मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह भी धोने थे और अपना नहाना धोना भी करना था। तो मम्मी ने बोला कि आज तू मॉर्निंग के टाइम पे रेस्ट कर, फिर शाम को आएगी करके। तो मम्मी लोग आज भी ना घास काटने के लिए गए हैं, कल मॉर्निंग में तो मैं भी गई थी, लेकिन आज मेरी छुट्टी है तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट तो क्या होता है दोस्तों, घर में ना कपड़े वगैरह धोना नहाना वगैरह इतना ही होता है, तो मैं यही कर रही हूँ। और फटाफट से ना मैं अनाज वगैरह भी सुखाऊंगी, पूरी धूप आ जाएगी ना तब हम लोग अनाज सुखाएंगे। बाकी मेरे हस्बैंड जी, नामान वगैरह तो सब लोग ऊपर ही खेल रहे हैं, और आजकल ना रोज रोज मेरे से ना वीडियो नहीं बन पा रही है, क्योंकि एक ही काम हो रहा है, तो आप लोग भी बोर हो जा रहे हो, और उसके बाद ना आप लोग को भी वीडियो देखने में ना इंटरेस्ट नहीं आता होगा, इसलिए मैं रोज रोज ना व्लॉग नहीं बना रही हूँ। कपड़े तो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और ना मैंने किचन में दाल वगैरह भी उबलने के लिए रखी थी, तो उनको देख के आते चक्कर। और नमन और उसके पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब क्या शैतानी कर रहे हैं, क्या शैतानी कर रहे हो आप यहाँ पे बताओ? परेशान पापा को हैं, पापा के साथ शैतानी कर रहे आप? अभी देखना, इसने इसको फोड़ के रख दिया दोस्तों, इसकी हड्डी पसली अच्छे से फोड़ रखे हैं। हेलमेट का कुछ उम्र कर दिया करा, क्यों देते हो फिर बच्चे को हेलमेट? अरे लेके आता खुद ही यार। नमन क्या कर रहे हो आप? क्या अब तो हमारे नमन ना हिट्टी हिट्टी करने लग गया है, करके दिखा दो गाइस को, चलो हिट्टी हिट्टी करके दिखाओ। हिट्टी नहीं करता, पाली करता है। पाली करो ना, पाली करो, पाली कर दो पापा को, पाली नहीं कर रहा है। अभी फोन चाहिए भाई उसे, फोन ना, ना फोन नहीं, फोन नहीं देना है, फोन देने वाला नहीं बनाना है। नहीं वो ना, वो हमारा ब्लॉगिंग है, जब आप लोग ना, आप जब मेरा सुनो, जब मेरा ना मुंह बड़ा हो जाएगा ना, तो नमन भी ब्लॉगिंग करेगा। गाइस बहुत जल्दी ना हम कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, और कहाँ जाए आप लोग कमेंट में बताएं। हम लोग कहाँ आए, मतलब जहाँ से हम लोग को सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे ना, जिस लोकेशन से, तो वहाँ हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, सर्च करेंगे, फिर आएंगे, हम लोग आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर। तो कमेंट करना आप लोग कि हम लोग को कहाँ जाने चाहिए, और आप लोग कहाँ देखना चाहते हो कि हमारे ब्लॉग के माध्यम से हम लोग जहाँ की लोकेशन के ज्यादा कमेंट आएंगे ना, वहीं आएंगे हम, जहाँ ज्यादा कमेंट आएंगे कि इधर आओ इधर आओ। अभी नहीं आएंगे, थोड़ा असर्थ का काम करके आएंगे, काम जाके ना, क्योंकि अगर बहुत सारा काम हो रहा है भाई, पूरा मांग काटना है, मांग मतलब एक पहाड़ में ना छोटे छोटे हिस्से बांटे गए होते हैं गांव वालों को, उसको मांग बोलते हैं, तो जितना हिस्सा हमारा है मांग में, उतना तो हिस्सा काटने होता है, सुखाना होता है, लूटे लगाने होते हैं, उतना हिस्सा काटना है, फिर उसका घास लाना है। काम बचा है, ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोग आएंगे घूमने, लेकिन आप लोग कमेंट करना कि हम लोग को किस लोकेशन पे जाना चाहिए घूमने के लिए। इसकी शरारत बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं यार, देखो ऐसे हाथ उसे चलाएगा बस। नम्मू इधर, पापा इधर आओ, इधर इधर। और आज ना मॉर्निंग में हम लोगों ने तिल काटे थे, तो ये रहे हमारे तिल इस साल के, ये हरे हैं दोस्तों, लेकिन हमें ना इनको काटना पड़ा, क्योंकि कल बंदरों ने ना पूरे तोड़ दिए थे, नहीं हुए हैं क्योंकि ना हरे हैं अभी अंदर से, तो इनको अब सुखाने डाल देती हूँ, उसके बाद धूप भी आने को है, और काम फिर करेंगे। प्याली कर लो पापा को, प्याली पाली कर दे, पाली कर लो, पाली, ये कैमरे के सामने ना हमारी बेइज्जती करता है भाई, पाली कर लो मम्मा को, पाली मामा को तो करता है, पापा को नहीं करता है, मैंने सिखाया वैसे, पता है। तिल तो यहाँ पे फैला लिया है, लेकिन अभी ना धूप नहीं आई है, तो मैं ना धूप का वेट कर रही थी, लेकिन जब ये आएगी तो तभी सूख जाएंगे, मैंने डाल तो दिए हैं। और अभी मैं ले जा रही हूँ आपको जहाँ हम लोगों ने धान मोस्टे वगैरह रखे, मतलब मोस्टा ना जिसमें हम लोग धान वगैरह सुखाते हैं वो होता है, तो मैं दिखाती हूँ इस वाले रूम पे, जहाँ पे ना हम लोग डिलीवरी के बाहर रहते थे वहाँ रखा है हमने। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो ये रहे हमारे मोस्टे और ये रहे हमारे धान।
अभी जो ये लेके आ रही है इसको कहते हैं तिहत और इसको कहते हैं मोठ। कुछ अंतर नहीं होता है, मेरे को तो कुछ लगता भी नहीं है। हमको नहीं लगता है ना, बट होता है। थोड़ा सा छोटा आकार का होता है, बड़ा आकार का होता है, और क्या होता है अंतर? शायद बड़े नहीं बनते हैं, मोठ बहुत बड़े भी बन जाते हैं, ऐसा कल पापा ने बोला था, अब मुझे पता नहीं है। हम लोगों ने दोनों जगह ना मोठ बिछा दिए हैं, एक हमारे छत में और दूसरा किसी और का छत है वहाँ पे बिछा दिया। अब मेरे हस्बैंड जी लाएंगे धान, हमसे नहीं लाया जा रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो रखे ना, इस बार हमारी बहुत ज्यादा खेती हो रखी है दोस्तों, इसलिए हम उससे नहीं लाए जा रहे। और दीदी ला रहे थे लेकिन मैंने उनको मना किया मत लाओ करके, तो अब मेरे हस्बैंड जी लाएंगे। ताकतवर आधा ही खाली करना, हाँ पूरा मत करना आधा। बाहुबली गाइस, इसे कहते हैं प्योर गांव की लाइफ। वाह लड़कियां ना सेम एक ही तरह से करते हैं, मम्मी भी ऐसी करती है, भूमि भी ऐसी कर रही है, और हम लड़कों ना थोड़ा सा और झा होता है कुछ भी काम करने में, लेकिन हम कर लेते हैं फिर भी। गाइस थोड़ा बहुत अपना वर्क करने के बाद अभी बारी है लंच की, सभी लोग आ गए होंगे, मम्मी पापा लोग भी आ गए होंगे और भाई भी गया था ऊपर शायद, सभी लोग आ गए होंगे। अब सब लोग साथ में बैठ करेंगे दिन का लंच, और ना अंदर ना बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा, लिटरली पहाड़ में इतना ठंडा होने लगे ना क्या बताऊं, और बाहर इतनी तेज गर्मी हो रही है, अंदर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, अजीब टाइप का मौसम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज्यादा ठंडा है भाई। मेरा काम थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, और बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि तुम दोनों भाई करते हो क्या है। भाई हमारा ना वेडिंग हमारा ना फोटोग्राफी से रिलेटेड काम है, तो सीजनल काम है हमारा, सभी सीजन होता है तभी काम होता है, बाकी वगैरह एडिटिंग वगैरह करते हैं हम, और लोगों के भी कर लेते हैं, तो यही काम है भाई हमारा। तो चलते हैं अब खाने के लिए, सारे पाव वगैरह करते हैं बंदे यहाँ से। बाकी एडिटिंग रूम कुछ इस टाइप का है, पहले रूम भूमि और मेरा था भाई, जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम भूमि आई थी तो हम इसी रूम पर रहते थे। पहले इस रूम में ना कुछ ज्यादा सामान नहीं था, जब हमने इस रूम को शिफ्ट किया फिर हमने रैग वगैरह लगाए थे, वरना इसके पीछे एक खिड़की है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं लंच यहाँ बैठ के, और सभी लोग आ गए आप देख सकते हैं, मम्मी लोग भी आ गए हैं, और आज ना हमारे दोनों बच्चे सो गए हैं, अभी ये शादी नहीं है, एक और निकल टाइम भी है। लाओ उम्मीद है कहाँ है, वाह हम लोग लागे हैं ये पंखा, और ये पंखा ना हमारा नहीं है, मामी लोग का है, तो उनसे ही मांगते हैं हम लोग हर बार, क्योंकि हम लोग को जरूरत ही नहीं है यार, एक जो खेत है उसके लिए भी क्या पंखा रखना, खाली खर्चे में खर्चा मांग लेते हैं, तो गांव में तो सब दे देते हैं, किराया भी नहीं देना पड़ता हमको। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे कि पहले पंखा मैं लगाऊंगा फिर तू लगाएगी, फिर तुम कहाँ जाओगे काम करने? कौन सा काम? सा काम बचा मेरा। अच्छा। अब बारी आ गई है भूमि की, तो वो लगी है देखो वहाँ पर, थोड़ा जोर से हवा नहीं आ रही भूमि। गाइस थोड़ा बहुत काम कर लिया है, और मैंने यहाँ कंप्यूटर रूम में बैठ के, और देखो सारा जितना सूप बिछाया था ना हमने यहाँ पर सब ना उठा दिया है, और धूप देखो ना कितनी तेज लगी है, और शाम का समय में ना हमारे गांव में एक डिसएडवांटेज ये है कि धूप बहुत तेज आती है, सीधे आती है, और पार साइड में क्या एडवांटेज है कि वहाँ धूप जाने वाली है, और इधर साइड देखो धूप बहुत तेज है भाई, और ऊपर देखो हमारा नमन उड़ गया है। हेलो हेलो हेलो। धान सुखा के अंदर रखने के बाद मम्मी लोग तो चले गए थे मांग में घास काटने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि ना नमन सोया हुआ था, तो मैंने उसके उठने का वेट किया, अब वो उठ गया था, उठने के बाद उसको मैंने ना जो उसको खिलाना था मतलब शाम के टाइम जो हम लोग उसको खिलाते वो मैंने खिला लिया है, अब मैं भी जाने लग गई हूँ, और ना धूप अभी भी ना चटक वाली हो रखी है, और आते टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि नमन आज का ना झलकन लगता है, मतलब कि हम लोग के ना पीछे पीछे आता है, और अगर मैं कहीं जाऊँगी बाय नम्मू बोलूँगी ना तो रोता है वो, और वो समझ भी जाता है, अब मैं तैयार व्यार भी होंगी ना तो सोचता है मम्मी कहीं जाने वाली है तो रोने लग जाता है, इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। और मैं लेके जा रही हूँ मम्मी लोग के लिए इसमें ककड़ी, मतलब मैं भी खाऊंगी, तो मैं फटाफट से ना एक बार पानी भर लेती हूँ, और मुझे जो पानी भरना है ना वो यहाँ पर आता है, तो ये रोड के किनारे देखो ये रोड है और ये किनारे पे आता है, तो यहाँ पर से भरती हूँ। अब मुझे चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद मिलूंगी मैं आप लोगों से। दोस्तों ये ताई जी को देखो अकेले लग गए, सिर्फ बस बहुएं होती बहुएं आ देती, हालत खराब हो रही है सबकी, ऐसी हो रही है यही खराब हो रही है यार मत कर, तो रियल तो यही है ना। क्या पानी पी रहे ठंडा हाँ। ओ नीचे से भर के लाई, कितनी प्यास लगी थी, अच्छा लग रहा होगा ना, लग रहा है अच्छा हो जा तेरा दूसरा भी लड़का हो जाए, हे भगवान, और ब्लॉग बहुत आगे आगे बढ़ जाए, अच्छा चल जाए ब्लॉग,
ठंडा पानी पिला दिया तूने, बहुत धर्म होगा तेरा। मैंने वहाँ पे ताईजी को ना ठंडा ठंडा पानी पिलाया तो उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया। अब मैं अपने सास ससुर को भी पिलाती हूँ, क्या बोलते हैं देखते हैं उनके विचार, दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे आके ना सासू मामा मुझसे सीधे पानी मांग रहे, मैं तो पानी लाई नहीं हुआ, लेकिन ना मम्मी मैं चाय बना के लाई हूँ। क्यों, आपको तो चाय अच्छा लगता है ना? लो, और मैं कुछ सुनना चाह रही हूँ, पापा के लिए तो बचाओ। अब क्या बोलोगे, इतना ठंडा पानी पिलाया? आहा, थैंक यू, बस इतना ही? जी रहा है, जग रहा है। ताईजी ने क्या क्या बोला पता है? रोज़ पानी लग रहा है। ताईजी ने क्या क्या बोला पता है? कल वीडियो में देखना। अब मैं पापा को देख के आऊँ। यहाँ पे मेरे सासू माँ ना घास बांध रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर पापा को ठंडा पानी पिलाने। तो पानी ना थोड़ा बचा अब तो। तो दोस्तों अभी मैं ना टॉप में आ गई हूँ और ओ नीचे खेत से लगे इतने सारे खेत काट दिए हम लोगों ने, देखो। और ये सब काटे हैं मशीन में और मेरे ससुर जी ने। पापा पानी पी लो ठंडा। अच्छा है ना ठंडा? पापा के दांत ठंडे जो कि फ्रिज का नहीं है, लगा लो। आप क्या बोलना चाहोगे ठंडा पानी पी के? थैंक यू, थैंक यू बात देते था। अच्छा, थैंक यू बात देना चाह रहे, धन्यवाद नहीं। आज मैं यहाँ जल्दी आई हूँ और दराती भी लेके आई हूँ, तो थोड़ा बहुत ना घास मैं भी काट लेती हूँ। तो पापा ना ये किनारे में नहीं काट पाएंगे क्योंकि ये तिरछा हुआ है, तो इसमें मशीन नहीं लग रही होगी, इसलिए मैं इसको काटूंगी। मैं यहाँ पे ककड़ी लाई थी तो मम्मी ना ककड़ी के चीरे भी करने लग गए हैं, और साथ में मैं लाई थी ये हरा नमक। अभी यहाँ भी छाया आ गई है और शाम भी होने को है, तो मम्मी ने ना सारा घास बांध दिया है। अब हम लोग ना फटाफट से भारी लगाते हैं फिर चलते हैं घर को। तो आजकल मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, और ब्लॉग मारने का भी टाइम नहीं है, मुंह धोने का भी टाइम नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं है। खाना तो खा ही रहे हूँ मतलब टाइम निकाल के, और उसके साथ काम के साथ साथ बहुओं को भी सिखाना है काम, ऐसा करो वैसा करो, इधर आओ उधर आओ, क्योंकि इनके फ्यूचर में कभी काम आएगा। मैंने अपने सास का फर्ज निभाना है, ये करे ना करे ये इनकी जवाबदारी है। ऐसा तो सास का फर्ज मैं निभा दे रही हूँ, और आप कमेंट में बताना मैंने निभाना है नहीं निभाना है सास का फर्ज, सिखाना है नहीं सिखाना है इनको, जरूर बताना आप, फिर मैं और कोशिश करूँगी सिखाने के लिए। अच्छे से सीख पाए, आपकी तरह कर पाए ना? अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी, और नहीं सीखेंगे तो आप बताओगे तो कमेंट में, मैं इनको डंडा भी मार सकती हूँ सिखाने में, कभी कभी मार भी खाएंगे। लिखायो पढ़ायो पहाड़े ब्यवायो। अच्छा। अच्छे से गाओ ना फिर, अच्छे से लय में गाओ, चलो मैं गा। लिखायो पढ़ायो पहाड़े ब्यवायो म्यार माता मुलुक मोटरे चलनी, ये पापी मुलुक खजरे चलनी। लेखायो पढ़ायो पहाड़े बीवायो म्यार माता मुलुक बिजुली समगनी, ये पापी मुलुक छिलो के जगनी। अच्छा गाना है यार, मैं समझ गई इसका मतलब क्या है कि मायके में पढ़ा, माँ बाप ने तो पढ़ाया, लेकिन यहाँ ससुराल में तो जो पढ़ाया था वो वैसा जैसा कुछ है नहीं ना जैसे मायके में होता था। जैसे मायके में बाइक चलती थी तो यहाँ खच्चर चलते हैं। यही था ना मम्मी इसका मतलब। अच्छा गाना था यार सच में। लिखायो पढ़ायो पहाड़े बीवायो म्यार माता मुलुक ढोलक बजनी, ये पापी मुलुक कंडरे बजनी। अच्छा है, अच्छा है।
पापा को कैसा लगा गाना? फर्स्ट टाइम सुना आपने भी? नहीं, मैं भी गाता हूँ। मम्मी ने फीलिंग्स बताए हैं अपने? ये आपके लिए भी है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? ये है किस्मत वाले बात है, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। आशा है पहाड़ भी आओ, प्लेन से भी आओ। ऐसी होने का होगा तो हो गया ना। चलो फिर अब पहाड़ी की चली है, पहाड़ में ब्यू रखी है, काम सीखना पड़ेगा सबको। हम लोगों ने तो लगा लिया है घास अपनी पीठ में, और ना अब मेरे ससुर जी लाएंगे ये मशीन और एक घास का पूला। मम्मी नीचे चलेगी जो मम्मी आराम से, और मैं आप लोग को ना सीधे घर पे ही मिलूंगी, क्योंकि रास्ते में व्लॉग बनाना जैसा नहीं हो पाता। हम लोग घर भी पहुंच गए हैं, और हमने ना रोड से नीचे फेंक दिया, क्योंकि नीचे का खेत खाली था ना, तो यहीं से नीचे फेंक दिया, वरना हमको घूम के जाना पड़ता है घर से।